हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है जसराज और आप देख रहे हैं जसोल ई मित्र चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको ई मित्र यूज़र के लिए अपने सिस्टम के अंदर बायोमेट्रिक डिवाइस को कैसे इंस्टॉल करेंगे और कैसे गूगल क्रोम की सेटिंग करेंगे, तो इस वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा ज़रूर देखें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियो सबसे पहले मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, ई मित्र के अंदर अपन 3 डिवाइस को यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही आराम से चलती है, बहुत ही बेस्ट तरीके से चलती है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको मोरफो अपने ई मित्र में सभी काम के लिए यूज होती है और सही से वर्क करती है। उसके बाद में अगर आप मंत्रा का डिवाइस लेना चाहते हैं तो मंत्रा डिवाइस भी बहुत अच्छे से ई मित्र में चलती है, राजेश्वरी में चल जाती है। तो ये सभी काम के लिए मंत्रा यूज आप कर सकते हैं। और तीसरी डिवाइस मैं बताऊंगा जो मंत्रा की आयरस डिवाइस होती है, जो आँख के द्वारा अपन किसी भी कस्टमर का आप यूज़ कर सकते हैं। राज SSP में पेंशन सत्यापन कर सकते हैं, पेंशन आवेदन कर सकते हैं और भी अन्य कामों के लिए आप आयरस को यूज़ कर सकते हैं। तो इन तीनों डिवाइस का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको जो भी डिवाइस अगर अमेजन से लेना हो तो आप वहां से खरीद सकते हैं। और फ्रेंड्स, ई मित्र यूज़र के लिए आयरस डिवाइस है वो अच्छी चलती है, वो भी आपको अपने पास में रखनी चाहिए ताकि हमारे जो कस्टमर है वो दूसरी जगह कहीं और ना जाए। अगर बुजुर्ग कस्टमर होते हैं उनके फिंगर नहीं लगते हैं तो आप आयरस के द्वारा आप पेंशन सत्यापन कर सकते हो और पेंशन आवेदन भी कर सकते हो और भी अन्य काम, जैसे जन आधार में कोई भी चीज़ अपडेटिंग हो गई, यानी किसी भी काम के अंदर आप आयरस को यूज़ कर सकते हैं आप ई मित्र यूज़र है। तो अब मैं आपको इस वीडियो के अंदर मोरफो इंस्टॉलेशन करना पूरा प्रोसेस दिखा देता हूं। तो चलता हूं सिस्टम पर और आपको पूरा प्रोसेस लाइव दिखा देता हूं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा आप ई मित्र में मोरफो सेटअप कैसे करोगे और ई मित्र के लिए मोरफो ड्राइवर सॉफ्टवेयर आप कैसे डाउनलोड करोगे और कैसे गूगल क्रोम की ब्राउजर की सेटिंग करोगे, कैसे मोरफो की सेटिंग करोगे। मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। तो सबसे पहले आपको अपने गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है और सर्च करना है मोरफो RD सर्विस। इस तरीके से आप सर्च करोगे तो ये ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होगी, rdserviceonline.com। तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में इस तरीके से ये मोरफो की ऑफिशियल वेबसाइट है, ये ओपन हो जाती है। आपको यहाँ पर होम पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर आप डाउनलोड पे अगर माउस लाओगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे RD सर्विस ड्राइवर हैं, वो यहाँ से ओपन हो जाते हैं। तो इसमें से आपको RD सर्विस का कौन सा सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड करना है और उसके बाद में क्या सेटिंग करनी, तो मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करता हूँ कि आप यहाँ से ये जो 3 नंबर का ड्राइवर आ रहा है विंडोज https/localhost, आपको इस ड्राइवर को डाउनलोड करना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को जरूर कंटिन्यू पूरा जरूर देखें, मैं आपको इसके अंदर और क्या सेटिंग करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर क्लिक किया है तो यहाँ पर मेरे विंडोज RD सर्विस सॉफ्टवेयर है ये डाउनलोड हो रहा है। तो इसके पहले आपके जो भी सिस्टम के अंदर मोरफो के सॉफ्टवेयर आपके डाउनलोड किए हुए हैं, इंस्टॉल किए हुए हैं, उन सभी को आपको रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए अपने सिस्टम के अंदर कंट्रोल पैनल में आपको जाना है, चाहे विंडोज 7 हो, 10 हो, कोई भी विंडो हो, उसके अंदर आपको प्रोग्राम अनइंस्टॉल प्रोग्राम पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से जो भी आपके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है वो मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर मोरफो पे क्लिक करके अनइंस्टॉल करना है, यहाँ से यस कर देना है। उसके बाद में आपको मोरफो RD सर्विस ड्राइवर है इसको भी अनइंस्टॉल करना है। आपका मोरफो ड्राइवर है कंप्लीट अनइंस्टॉल करने के बाद ही आपको वापस इंस्टॉल करना है और क्या क्या सेटिंग करनी है उस वीडियो को आप मैं पूरी जानकारी देने वाला हूं। वीडियो को बीच में कहीं भी मत छोड़िएगा, अगर कहीं भी वीडियो को मिस कर दिया आपने तो आपकी सेटिंग अधूरी रह जाएगी और फिर आप कमेंट करोगे कि हमारा सॉफ्टवेयर है वो काम नहीं कर रहा है, हमने आपका वीडियो देख लिया है। तो कंप्लीट वीडियो देखिए, एक एक चीज को आप स्टेप को फॉलो जरूर कीजिएगा। तो यहाँ से ये CBM अनइंस्टॉल हो गया, यहाँ पर मोरफो RD सर्विस को भी अनइंस्टॉल कर देते हैं, यस कर देते हैं। मैं आपको ये अनइंस्टॉल करके इसलिए बता रहा हूँ कि कंप्लीट प्रोसेस आपको पता चल जाए कि मोरफो ड्राइवर को कैसे इंस्टॉल करना है। तो ये मेरे ड्राइवर है, दोनों ही अनइंस्टॉल हो गए, अब हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं। अब हम सबसे पहले चलते हैं माई कंप्यूटर के अंदर, दिस PC के अंदर चलते हैं। उसके बाद में यहाँ से सी ड्राइव को ओपन करते हैं और यहाँ पर मोरफो RD सॉरी सॉफ्ट और मोरफो लॉक दोनों ही फोल्डर को यहाँ से राइट क्लिक करते हैं, डिलीट पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ से दोनों फोल्डर है डिलीट हो जाते हैं। अब हमारे को यहाँ से क्लोज कर देना है। अब हमारे को यहाँ से जो सॉफ्टवेयर हमने
डाउनलोड किया है वो यहाँ से शो इन फोल्डर करके ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद में यहाँ पर अपन राइट क्लिक करते हैं, एक्स्ट्रा फाइल पे क्लिक करते हैं, ओके करते हैं, तो यहाँ से ये फोल्डर है ये एक्स्ट्रैक्ट हो जाता है। फिर अपन इसको ओपन करते हैं, लोकल होस्ट को भी ओपन करते हैं, तो इसके अंदर हमारे को दो फाइलें मिलती है। तो यहाँ पर जो ये विंडो आरटी सर्विस लोकल होस्ट एचटीटीपीएस है, इस पर राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पर रन एस एडमिनिस्टर पर क्लिक करते हैं, यस कर लेते हैं, तो ये हमारा मोरफो का सॉफ्टवेयर है इंस्टॉल हो जाता है। तो इससे पहले मैं आपको एक टिप्स और देना चाहता हूँ कि मोरफो आपके आपके सिस्टम के अंदर जब आप ड्राइवर को अनइंस्टॉल कर रहे होते हैं तो आपको लगाना नहीं है, इंस्टॉल कर रहे होते हैं तब भी आपको नहीं लगाना। तो मोरफो ड्राइवर कब लगाना है वो मैं आपको बता दूंगा कि अब आपको मोरफो ड्राइवर लगाना है ताकि आपके सिस्टम के अंदर कोई भी एरर ना आए और आपके काम हो जाए। तो यहाँ पर हमारे को सिस्टम रिस्टार्ट करने को बोल रहा है, तो हम यहाँ से नो कर लेते हैं और आप सिस्टम को रिस्टार्ट भी कर सकते हैं। इतना काम होने के बाद या कंप्लीट सेटिंग होने के बाद आप सिस्टम को रिस्टार्ट कर सकते हैं। रिस्टार्ट करने के बाद में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये हमारा मोरफो का ड्राइवर है, ये कंप्लीट इंस्टॉल हो गया है। अब हम वापस चलते हैं सी ड्राइव के अंदर, यहाँ पर आपको क्या सेटिंग करनी है वो आपको दिखा देता हूँ। मोरफो आरटी सर्विस सॉफ्ट यहाँ पर क्लिक करना है, इसके अंदर आप देख सकते हैं अभी 50 फाइल है वो शो कर रही है। तो यहाँ से कॉन्फिग सेटिंग है, इसको आपको डबल क्लिक करके ओपन करना है और यहाँ से जो कम्युनिकेशन मोड 0 लिखा हुआ आ रहा है इसको 0 को आपको हटाना है, 1 लिखना है और यहाँ से फाइल में जाना है और सेव पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ से क्लोज कर देना है, फिर इसको रिफ्रेश कर देना है, उसके बाद में आपको यहाँ से क्लोज कर देना है। अब आपको क्या करना है, मोरफो है वो आपके सिस्टम के अंदर लगानी है। तो मैंने यहाँ पर मोरफो है वो सिस्टम में लगा दी है और मोरफो सिस्टम के अंदर लगाने के बाद में आपके पास में एक पॉपअप आएगा, मोरफो आरडी रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, तभी आपकी मोरफो ड्राइवर है वो वर्किंग हो जाएगी अपने सिस्टम के अंदर। तो अभी हमारे सिस्टम के अंदर पॉपअप आ गया था मोरफो आरडी सर्विस रजिस्ट्रेशन का, तो यहाँ से वो पॉपअप हट गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रजिस्ट्रेशन हो गई है। अब रजिस्ट्रेशन हुई है या नहीं हुई कैसे तय करना है, आपको दिस पीसी ओपन करना है या माई कंप्यूटर ओपन करना है, उसके अंदर आपको सी ड्राइव को ओपन करना है, मोरफो आरडी सर्विस सॉफ्टवेयर को ओपन करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले 50 फाइल थी, अब ये 51 फाइल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 51 फाइल है और यहाँ पर msodevice.p12 लिखा हुआ रहा है, मतलब ये हमारी मोरफो डिवाइस है वो अपने सिस्टम के अंदर रजिस्टर्ड हो गई है, यूआईडी में रजिस्टर्ड हो गई, अब हम सिस्टम के अंदर काम कर सकते हैं। अब ये मोरफो सॉफ्टवेयर की सेटिंग कंप्लीट हो गई, अब हमारे को क्या करना है, गूगल क्रोम को ओपन करना है। तो यहाँ से अब सीधा अपन ईमित्र साइट को ओपन करेंगे, तो यहाँ से ईमित्र साइट है वो हमारी ओपन नहीं होगी, इसके अंदर भी हमारे को प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पर हमारे को गूगल क्रोम के अंदर एक और सेटिंग करनी होती है, वो सेटिंग क्या करनी होती है तो ये मैं आपको गूगल क्रोम लेटेस्ट वर्जन के अंदर दिखा रहा हूँ। तो लेटेस्ट वर्जन में सेटिंग आपको ये करनी है, सबसे पहले यहाँ ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ पर सेटिंग पे आपको को क्लिक कर देना है, उसके बाद में आपको प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पे क्लिक करना है, उसके बाद में आपको यहाँ पर सिक्योरिटी पे क्लिक करना है, उसके बाद में आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर एडवांस टैब के अंदर ऑलवेज यूज सिक्योर कनेक्शन लिखा हुआ आ रहा है, तो आपको यहाँ से इस ऑप्शन यहाँ पर आसमानी नहीं है ऑफ है, तो इसको यहाँ से क्लिक करके ऑन कर देना है। उसके बाद में आप यहाँ से ब्राउजर को क्लोज कर दोगे और वापस ब्राउजर को ओपन करोगे, उसके बाद में आप SSO को वापस लॉग इन करोगे, यहाँ से आप अपना यूजर आईडी पासवर्ड कैप्चर डालने के बाद में यहाँ से लॉग इन पे क्लिक करके लॉग इन कर दोगे, फिर आप ई मित्र पे क्लिक करोगे, उसके बाद आप यहाँ पर बायोमेट्रिक पे क्लिक करोगे और यहाँ पर राइट करोगे तो आपके फिंगरप्रिंट डिवाइस के अंदर बहुत ही आसानी से बहुत ही आराम से लाइट आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं हमारे बायोमेट्रिक डिवाइस के अंदर लाइट आ गई है और हमने यहाँ पर फिंगर भी रख दिया है और यहाँ पर हमारा फिंगर है कैप्चर हो गया है। अब इसके बाद में यहाँ पर हमारी SSO ID है, इस तरीके से लॉगिन हो गई है। तो इस प्रकार से आप अपने ई मित्र SSO ID को यूज करने के लिए बायोमेट्रिक डिवाइस को इंस्टॉल कर सकते हैं। अब भी आपको कोई भी ये वीडियो देखने के बाद कंप्लीट प्रोसेस करने के बाद में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप हमसे एनीडेक्स पर हेल्प लेना चाहते हैं तो एनीडेक्स हेल्प करने का आपको चार्ज लगेगा, मैं आपको बायोमेट्रिक डिवाइस है इंस्टॉल करवा दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही और मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।